दोस्तों, सो इन मैथमेटिकल टूल्स वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज कॉल्ड द कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शंस क्या होते हैं? बेसिकली हमारे पास चार इंपॉर्टेंट कर्व्स होते हैं, दैट इज द सर्कल, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला, ठीक है। और दो आपस में इन्वर्टेड कोन्स को काटते हुए ये चारों सेक्शंस जो है वो हमें मिलते हैं। खैर, वो किस तरीके से मिलते हैं वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन सबसे पहले हमें इंडिविजुअल कॉनिक सेक्शंस के बारे में जो है वो हमें आइडिया लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले सबसे बेसिक सर्कल, जिसके बारे में हम लोगों ने अभी तक पढ़े हैं। व्हाट इज द सर्कल? इट इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट, यानी द ट्रैजेक्टरी ऑफ अ पॉइंट व्हिच मूव्स सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट। इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट। तो वो जो फिक्स्ड पॉइंट होता है उसको उस पाथ का हम सेंटर बोलते हैं, और जो फिक्स डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो मान लो हमारा ये जो पॉइंट है वो एक वेरिएबल पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, हमारा जो सेंटर है जो फिक्स पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट है एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, और ये जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज गिवन टू बी इक्वल्स टू आर। तो हमें जो निकालना है वो इस सर्कल का रेडियस को निकालना पड़ेगा। तो सर्कल का रेडियस हम किस तरीके से निकालेंगे? अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, जो हमारे पास डिस्टेंस आएगा d, उसके बारे में अगर हम ध्यान दें, x और y भले ही हमारा वेरिएबल हो तो हमारा जो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस आएगा दैट डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट x माइनस x नॉट का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y नॉट का होल स्क्वायर। That is the distance formula. So simple सी बात है, ये जो हमारा distance है that is x minus x naught का whole square plus y minus y naught का whole square, that will be equals to r. यानी जो हमारे पास circle का equation आएगा that is x minus x naught square प्लस वाई माइनस वाई नॉट स्क्वायर, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू आर स्क्वायर। सो दिस इज गोइंग टू बी द इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल। अगर हमें सर्कल का सेंटर दिया हुआ है और रेडियस जो है वो हमारा दिया हुआ है, तो दिस इज द नथिंग बट द इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है, राइट। बाय द वे एक चीज ध्यान दो, ये जो हमारा इक्वेशन है, इस इक्वेशन को अगर मैं एक्सपांड करूं तो व्हाट आई गेट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स एक्स नॉट माइनस टू वाई वाई नॉट प्लस एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। अच्छा, ये दोनों टर्म जो है दिस विल बी अ सेकेंड डिग्री टर्म, ये दोनों टर्म्स जो है दिस आर द सेकेंड डिग्री टर्म्स। ये जो दोनों टर्म है हमारे पास, ये दोनों को हम बोलते हैं लीनियर टर्म्स, एंड यहां पर ये जो टर्म है दिस इज कॉल्ड अ कॉन्स्टेंट टर्म। तो हमारे पास अगर हम ध्यान दें, सर्कल के अंदर दो हमारे पास टू डिग्री टर्म होता है, सेकेंड डिग्री टर्म्स होता है, लीनियर टर्म हमारे पास दो होते हैं, और जो हमारा कॉन्स्टेंट टर्म है वो कॉन्स्टेंट टर्म हमारे पास आ सकता है। दिस इज गोइंग टू बी द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है। अच्छा, जनरल टू डिग्री इक्वेशन, यानी सेकेंड डिग्री इक्वेशन क्या होगा? अच्छा, क्या क्या टर्म्स आ सकता है? या तो कुछ एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा, सम कॉन्स्टेंट ए इन टू एक्स स्क्वायर प्लस सम कॉन्स्टेंट बी इंटू वाई स्क्वायर
प्लस टू एच इंटू एक्स वाई, ठीक है, कोई एक्स वाई का टर्म आएगा उसके आगे, वो भी एक सेकेंड डिग्री टर्म है, एक्स का डिग्री वन वाई का डिग्री वन, तो ये भी एक सेकेंड डिग्री टर्म है। साथ में कोई लीनियर टर्म आएगा, मान लो टू जी एक्स, साथ में कोई लीनियर टर्म और एक आएगा टू एफ वाई, प्लस कोई कॉन्स्टेंट टर्म है सी। दिस इज अ जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन, ठीक है, इसमें अंदर सारे टर्म्स हो गया है। तो ये हमारा सर्किल को कब रिप्रेजेंट करेगा? इट रिप्रेजेंट्स अ सर्किल इफ, पहला कंडीशन ये होना चाहिए जो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई है दैट मस्ट बी इक्वल्स टू जीरो, दैट मीन्स एच मस्ट बी इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, और दूसरा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मस्ट बी इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, दैट इंप्लाइज ए मस्ट बी इक्वल्स टू बी। These two conditions must be satisfied to represent it as a circle. ठीक है, normally हम x और y का coefficient जो है उसको 1 बना देते हैं, अगर नहीं भी है, मान लो 2 है, तो पूरा equation को 2 से divide कर दो तो coefficient जो है वो हमारा 1 बन जाएगा। So general equation of circle is, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, एक्स वाई का कोई टर्म नहीं होना चाहिए, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमारा 1 होना चाहिए, प्लस 2 अल्फा एक्स प्लस 2 बीटा वाई प्लस गामा दैट इज इक्वल टू 0, दैट इज द जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ठीक है, यानी सर्कल का जो इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन, वो मेरा क्वाड्रेटिक टर्म है, ये दोनों टर्म हमारा होगा ही होगा, अल्फा बीटा दोनों अलग अलग से या साथ में बिल्कुल जीरो हो सकता है, कोई इशू नहीं है, गामा जो है वो भी हमारा अलग से जीरो हो सकता है, उस पर भी कोई इशू जो है वो हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अच्छा तो ये वाला इक्वेशन पे अगर मैं ध्यान दूं तो दिस कैन बी रिटन एज x प्लस अल्फा होल स्क्वायर प्लस y प्लस बीटा होल स्क्वायर प्लस गामा माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, एंड दैट कैन बी रिटन एज x प्लस अल्फा होल स्क्वायर y प्लस बीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस गामा। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इसका रूट उसका होल स्क्वायर। तो सर्किल का अगर मेरा इस तरीके से रिप्रेजेंट है तो सिंपल सी बात है, द सेंटर इज माइनस अल्फा कॉमा माइनस बीटा। इस सर्कल का जो सेंटर होगा दैट विल बी इक्वल टू माइनस अल्फा कॉमा माइनस बीटा, एंड इट्स अ रेडियस इज इक्वल्स टू अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस कॉमा। अगर सर्कल इस फॉर्मेट में हमें दिया हुआ है, उसका सेंटर जो है वो है हमारा माइनस अल्फा कॉमा माइनस बीटा, और उसका जो रेडियस है दैट इज अंडर रूट, रेडियस बाय डेफिनेशन इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, उसका रेडियस होगा अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस गामा। ठीक है, अच्छा बट अल्फा बीटा गामा पे कोई पाबंदी में नहीं डाला हूं, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस गामा ग्रेटर देन जीरो इंप्लाइज We have a real circle. हमारे पास असली में एक सर्कल है।
और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस गामा अगर इक्वल्स टू जीरो है, तो बेसिकली ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर रेडियस हमारा जीरो है तो डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट जो है वो हमारा जीरो हो जाएगा, तो ये एक्स कॉमा वाई जो है वो एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट के ऊपर मर्ज करेगा, तो बेसिकली वी आर गोइंग टू गेट अ पॉइंट। तो वैसा चीज को हम बोलते हैं पॉइंट सर्कल। पॉइंट सर्कल इज ऑल्सो अ सर्कल, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस गामा लेस देन जीरो, ये वाला केस हमारा फिजिक्स के लिए काम नहीं आता है। मैं लिख दे रहा हूं क्या है, इट इज एन इमेजिनरी सर्कल विथ रियल सेंटर। सेंटर जो है वो तो हमारा रियल है, लेकिन सर्कल जो है वो हमारा इमेजिनरी है। सो दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल, एंड उसको हम लोग इस तरीके से कन्वर्ट करके हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इफ सेंटर इज एट ओरिजिन, ठीक है, सेंटर अगर ओरिजिन है, एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट अगर जीरो हो गया, तो सिंपली देखो यहां पर आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सो व्हाट वी गेट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर equals to r square. That is the most important form of the equation that we really need. हमें normally जो है center पे origin जो है वो अगर हमारा center हो तब circle का equation हमारे पास ये बनने वाला है। ठीक है, अच्छा, तो ध्यान दो, यहां पर मैं draw कर दे रहा हूं, and this is my circle. This is my x-axis, this is my y-axis. Now, x-axis के positive direction के साथ मैं anti-clockwise direction पे theta को measure कर रहा हूं। तो मान लो ये हमारे पास general point है x, y और radius जो है that radius is equals to r. तो यहां पर अगर हम ध्यान दें, तो यहां से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो मेरे पास सिंपली आ जाएगा x इक्वल्स टू r cos थीटा और y जो है वो मेरे पास आ जाएगा r sin थीटा। तो अगर कोई सर्कल है x square plus y square equals to r square, तो मैं जनरल कोई भी पॉइंट को लिख सकता हूं x इक्वल्स टू r cos थीटा, y इक्वल्स टू r sin थीटा, जहां पे थीटा हमारा क्या है, एंगल मेजर्ड फ्रॉम द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन द एंटी क्लॉकवाइज सेंस। अच्छा, ऑटोमेटिकली देख लो, अगर मान लो हमारा थीटा 0 टू 90 है, तो कॉस थीटा और साइन थीटा दोनों पॉजिटिव है, सो एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट है। अगर मान लो थीटा मेरा 90 से 180 है, तो थीटा 90 से 180 होने पर कॉस थीटा नेगेटिव, साइन तो एक्स हमारा नेगेटिव, साइन थीटा पॉजिटिव, तो y हमारा पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट का पॉइंट है। थीटा अगर मेरा 180 से 270 के बीच में है, तो इन दैट केस सिंपल सी बात है, हमारा cos थीटा और sin थीटा दोनों नेगेटिव, x और y दोनों नेगेटिव, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट का पॉइंट है। और अगर मेरा थीटा 270 से 360 के बीच में है, तो x कोऑर्डिनेट जो है वो हमारा cos थीटा होने के कारण पॉजिटिव, और y कोऑर्डिनेट जो है दैट इज गोइंग टू बी द नेगेटिव, सो द पॉइंट बिलोंग्स टू द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो मैं जनरल कोई भी सर्कल का पॉइंट को मैं लिख सकता हूं x cos थीटा कॉमा वाई साइन थीटा, दिस इज कॉल्ड द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, अच्छा, ओरिजिन के बदले का कोई और सेंटर है अल्फा कॉमा बीटा, इफ सेंटर
is alpha comma beta and radius is equals to r. Parametric equation. Parametric equation will be alpha plus r cos theta, beta plus r sin theta. That is going to be the parametric equation. सिंपल ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस से वो बात हम समझ सकते हैं. अगर सेंटर हमारा अल्फा कॉमा बीटा होगा तो इन दैट केस जो हमारा पैरामेट्रिक इक्वेशन होगा वो होगा अल्फा प्लस आर कॉस थीटा एंड बीटा प्लस आर साइन थीटा. चलो मैं तुम लोग को ऑब्जर्व करवा दे रहा हूं, ध्यान दो. अगर समझ गया तो बढ़िया. मैं अल्फा और बीटा को फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी पॉजिटिव मान रहा हूं, ऐसे पॉजिटिव मानने का कोई जरूरत नहीं है. तो यह है हमारा अल्फा कॉमा बीटा. So, मैंने एक्स एक्सिस के पैरेलल यहां पर लाइन बना लिया. यहां पर जो एंगल बनता है ये एंगल है हमारा थीटा. यहां पर जो पॉइंट है वो है मेरा एक्स कॉमा वाई. ठीक है. सो नाउ लेट्स ट्राई टू रियलाइज. ये जो हमारा आएगा ये वाला डिस्टेंस दैट कैन बी सिंपली रिटन एज एक्स माइनस अल्फा. ये पूरा तो एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट है, इतना अल्फा है तो ये डिस्टेंस जो होगा वो एक्स माइनस अल्फा आएगा. और सिमिलरली यहां पर ये पूरा डिस्टेंस जो है वो हमारा वाई है, जिसके अंदर इतना डिस्टेंस हमारा बीटा है. तो दिस डिस्टेंस विल बी वाई माइनस बीटा. तो एक्स माइनस अल्फा विल बी आर कॉस थीटा. तो x आ जाएगा मेरे पास अल्फा प्लस r cos थीटा एंड y माइनस बीटा विल बी r sin थीटा. सो y विल बी बीटा प्लस r sin थीटा. तो दैट इज गोइंग टू बी द पैरामेट्रिक इक्वेशन. थीटा इज कॉल्ड द पैरामीटर. थीटा इज कॉल्ड पैरामीटर. ओके तो ये बेसिक बातें मेरे ख्याल से यहां पर हमें समझ में आ गई है. नाउ वी मूव फॉरवर्ड. ठीक है. थोड़ा सर्कल के बारे में और भी एक दो चीजों का जानकारी ले लेते हैं. उसके टेंजेंट के बारे में स्पेशली हमें काफी ज्यादा इंटरेस्ट है. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हुज टू एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर आर गिवन टू बी एक्स वन कॉमा वाई वन एंड एक्स टू कॉमा वाई टू. मैं ड्रॉ कर रहा हूं उससे और बेटर समझ में आएगा. ये मेरा एक सर्कल है और ये वाला सर्कल का कोई भी दो रैंडम एंड पॉइंट ऑफ अ डायमीटर दिया हुआ है. ये वाला पॉइंट है x1 कॉमा y1 और ये वाला पॉइंट है x2 कॉमा y2. तो सवाल यहां पर ये है जो ये वाला सर्कल का जो इक्वेशन होगा वो हमारा क्या होने वाला है. यहां पे हमारा बचपन का एक नॉलेज काम आएगा. ध्यान देना. जो मैं कोई भी अगर पॉइंट लेता हूं एक्स कॉमा y तो ये सेमी सर्कुलर एंगल जो है वो तो हमारा हमेशा 90 डिग्री होगा. सेमी सर्कुलर एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. राइट. सो ये वाला लाइन का जो हमारा स्लोप है उसको मैं m1 बोल देता हूं और ये वाला लाइन का स्लोप जो है वो मैं m2 बोल देता हूं. तो क्योंकि ये दोनों हमारा परपेंडिकुलर है तो स्ट्रेट लाइन में पढ़ाया गया था तो m1 into m2 जो है वो हमारा माइनस वन होना चाहिए. राइट. अच्छा m1 का वैल्यू कितना होगा वो भी हमने स्ट्रेट लाइन पे पढ़े थे. That will be y minus y1 upon x minus x1. और ये वाला लाइन m2 का जो स्लोप होना चाहिए that will be y minus y2
x minus x2. So what I have is y minus y1, x minus x1, y minus y2, x minus x2 is equals to minus 1. So now what I have is y minus y1 into y minus y2 plus x minus x1, उसको उधर ले जाके, ठीक है ना, मल्टीप्लाई किया फिर इसको इधर ले आया, वो दो स्टेप नहीं लिख रहा हूं. सो दिस इज गोइंग टू बी द इक्वेशन ऑफ द सर्कल. दिस इज कॉल्ड द डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ द सर्कल. अच्छा, ये वाला सर्कल के बारे में अगर हम ध्यान दें तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, y स्क्वायर माइनस y1 प्लस y2 इंटू y, y1 y2, x स्क्वायर प्लस x1 x2, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू जीरो. ठीक है, ये जो डायमेट्रिक फॉर्म है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं. सो ये वाला सर्कल का इक्वेशन जो आएगा वो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स, एक्स वन प्लस एक्स टू माइनस टू वाई, वाई वन प्लस वाई टू बाई टू प्लस एक्स वन एक्स टू y1 y2. तो सिंपल सी बात है, जो हमारा सेंटर होगा वो मेरे पास आ जाएगा x1 प्लस x2 by 2, y1 प्लस y2 by 2. तो होना भी चाहिए था इन दोनों का मिड पॉइंट. और जो मेरे पास रेडियस आएगा r, that will be under root x1 plus x2 by 2 ka whole square plus y1 plus y2 by 2 ka whole square minus x1 x2 minus y1 y2. To ye mere paas jo aa jayega, that will be x1 square plus x2 square माइनस टू एक्स वन एक्स प्लस टू एक्स वन एक्स टू बाई फोर. इसको जब मैं यहां पर लेकर आ जाऊंगा तो माइनस फोर एक्स वन एक्स टू हो जाएगा वन बाई टू, ध्यान देना, अंडर रूट एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर. आना भी चाहिए था इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या था, ये डायमीटर है तो इसका आधा जो डिस्टेंस होगा वही तो मेरा रेडियस होना चाहिए था, जो कि हमारा साफ साफ हुआ भी है. हमें जो याद रखना है वो तो हमें ये वाला रखना है, दिस इज द डायमेट्रिक फॉर्म. ठीक है. अच्छा, इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट. हमें इस पे जो चाहिए होगा वो बेसिकली सेंटर्ड एट ओरिजिन पे चाहिए होगा. सर्कल का इक्वेशन ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर. फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट. Find equation of tangent at x naught comma y naught. Right. तो मैं क्या करूंगा, इसको डिफरेंशिएट कर दो. स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो हमारे पास आएगा दैट विल बी dy by dx. तो यहां पर हम अगर ध्यान दें
x square का डिफरेंशिएशन 2x, y square का डिफरेंशिएशन 2y, dy by dx that is going to be equals to 0. तो मेरे पास जो dy by dx आएगा that will be equals to minus x by 5. तो हमें जो वाला पॉइंट पे टेंजेंट बनाना है उस पर अगर हम ध्यान दें, ये वाला पॉइंट जो है वो हमारा 0,0 है, ये वाला पॉइंट जो है वो है मेरा x नॉट कॉमा वाई नॉट. अच्छा बाय द वे दिस इज माय रेडियस, ठीक है. ये वाला टेंजेंट का जो स्लोप आ रहा है वो आ रहा है मेरा कितना, माइनस एक्स नॉट बाई वाई नॉट. और जो रेडियस का स्लोप आ रहा है, इस लाइन का स्लोप ये ओरिजिन के साथ जोड़ता हुआ, दैट इज वाई नॉट बाई एक्स नॉट. और साफ साफ ध्यान दो ये दोनों स्लोप आपस में परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो है इसको मैं अगर एम वन बोल देता हूं, इसको अगर मैं एम टू बोल देता हूं, तो m1 m2 equals to minus 1, तो रेडियस एट एनी पॉइंट इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट दैट यू कैन सी. अब नाउ टेंजेंट का जो स्लोप है वो मेरे पास आ गया है माइनस x0 कॉमा y0, और जो पॉइंट के थ्रू पास कर रहा है दैट इज x0 कॉमा y0. सो इस पे अगर मैं जनरल पॉइंट लेता हूं x कॉमा y, तो इक्वेशन जो आएगा y माइनस वाई नॉट इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स नॉट. सो वाई नॉट से मल्टीप्लाई कर दो तो y वाई नॉट माइनस वाई नॉट स्क्वायर. तो मेरे पास आ जाएगा x एक्स नॉट प्लस y वाई नॉट is equals to x naught square plus y naught square. But x naught comma y naught to isi circle pe ek point hai. So this will be equals to r square. So hamare paas jo kaam ka cheez hai wo mere paas aa gaya hai. To equation of tangent jo hamare paas hoga, that equation of tangent is simply equals to x x naught plus y naught. That is equals to r square. ये x naught comma y naught point पे जो हम tangent बनाएंगे उस tangent का equation है, ठीक है. अगर अगर parametric form में चाहिए तो ये वाला x naught को मैं लिख सकता हूं in general r cos theta, और y naught को लिख सकता हूं r sin theta, is in the parametric form. तो मेरे पास जो आ जाएगा that is x r cos theta plus y into r sin theta r square. तो मेरे पास आ जाएगा x cos theta plus y sin theta that is equals to r. So this is another way of writing the equation. This can be also written as the equation of tangent. तो circle के बारे में इतना information जो है वो हमारे पास होना चाहिए. We move on to the next conic section, that is parabola.